हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक खजूरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आए हैं रियल नंबर्स से है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है हम लोगों को, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5। मीन्स कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है उसकी जो फॉर्म होती है वो या तो 6q+1 जैसी होती है, या फिर 6q+3 जैसी फॉर्म होगी, या फिर 6q+5 जैसी फॉर्म होगी, जहाँ पे क्यू क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। सो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बी आइडेंटिफाई करना, यानी कि डिवाइजर आइडेंटिफाई करना। हम लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा पता है क्या होते हैं, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब जरा जो गिवन फॉर्म्स है ना, जो हम लोगों को प्रूव करनी है फॉर्म्स, वो फॉर्म्स को हम लोग कंपेयर करें, तो देखो 6q+1 लिखा है ना, इसका मतलब इन दोनों फॉर्म्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे b है और यहाँ पे कितना दिख रहा है 6, इसका मतलब डिवाइजर कितना है हम लोगों का, इस केस में 6 है, ठीक है। तब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेट ए बी, यानी कि ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और बी कितना है हम लोगों ने कंसिडर किया है 6, ठीक है। उस केस में तब हम लोग क्या कह सकते हैं, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तब ए इक्वल टू कितना होता है, बी क्यू प्लस आर होता है ना, जहाँ पर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट स्मॉलर देन बी। ये पॉइंट समझ आ रहा है। और ये क्यू क्या है, क्यू सम पॉजिटिव इंटीजर, राइट। सो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर या तो 0 और या 0 से बड़ा बट हमेशा b से छोटा, और b इस केस में कितना है 6 है, इसका मतलब जो हम लोगों का रिमाइंडर आने वाला है वो क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, क्लियर। अब यहाँ पे कितने केसेस बन जाते हैं, तब 6 केसेस बन जाते हैं। एक एक केस को जरा स्टडी करते हैं हम लोग। सो केस 1 अगर हम लोग देखें, अगर रिमाइंडर हम लोगों का 0 है तो उस केस में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए किस फॉर्म का होगा, तब देखो बी के प्लेस पे कितना रखना है अभी 6, करेक्ट है। सो 6q+0, रिमाइंडर के प्लेस पे कितना रखना है यहाँ 0, तो 6q+0 का मतलब 6q, क्लियर। अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं किस फॉर्म के अंदर, 2 × 3q जैसा लिखा जा सकता है। अगेन क्यू क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक इंटीजर ही रहेगा ना, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, बट इससे क्यू से डिफरेंट होगा। मान लिया वो नया पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 2m1 कंसिडर कर लिया हम लोगों ने, और m1 क्या है, नया पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। सपोज करिए कोई भी नंबर है, नंबर कहने का मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये पॉजिटिव इंटीजर दो फॉर्म्स में हो सकता है, दो ही तरह का हो सकता है, या तो ये क्या हो सकता है, एक इवन पॉजिटिव इंटीजर या फिर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर इवन होता है तो इवन की फॉर्म होती है कैसी, 2m जैसी, जहाँ पे m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी, ठीक है। अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो उस केस में इसकी फॉर्म होगी 2m+1, मीन्स 2 से डिवाइड किया, m कोशियंट आया और 1 रिमाइंडर, क्लियर है। सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये फॉर्म और 2m, यहाँ पे ये फॉर्म तो एक जैसी है ना, यही फॉर्म है एग्जैक्टली, इसका मतलब ये नंबर कैसा हुआ, तब इस केस में ये नंबर हो जाता है इवन, ओके। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 2, जब रिमाइंडर कितना है हम लोगों का, 1 है। उस केस में जो नंबर है ए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है ए, अब वो किस फॉर्म का होगा, 6q+1 जैसी फॉर्म का होगा। अगेन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखो 6q को आपने क्या लिख दिया, 2 × 3q+1 है, प्लस 1 किया, 3q क्या है, एक नया पॉजिटिव इंटीजर होगा। मान लिए वो नया पॉजिटिव इंटीजर क्या है, m2, और प्लस का साइन है, 1 पुट कर दिया। अब देखो 2m2+1, ये तो 2m+1 जैसी फॉर्म है ना, अगर ये ऐसी फॉर्म है तो ये क्या हो गया, एक ऑड नंबर निकल के आया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 पे आए तो रिमाइंडर कितना है, 2, तब एक पॉजिटिव इंटीजर ए की जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, 6q+2। अब देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन आपने ले लिया, तब यहाँ पे क्या रहता है, 3q,
प्लस वन, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, मिल गया नया पॉजिटिव इंटीजर। तब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम थ्री, जहाँ पे एम थ्री क्या है, एक नया पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर? अभी कैसी फॉर्म है, देखो टू एम जैसी फॉर्म है ना, इसका मतलब ये नंबर कैसा निकला, अब ये नंबर निकला हम लोगों का इवन। अगेन फोर्थ केस पर अगर हम लोग आए तो यहाँ रिमाइंडर कितना है, थ्री। तब पॉजिटिव इंटीजर ए की जो फॉर्म बनेगी वो क्या बना, सिक्स क्यू प्लस थ्री। अगेन इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, इसको लिख देते हैं सिक्स क्यू प्लस टू प्लस वन, ऐसा लिख सकते हैं। थ्री को ब्रेक किया हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे तो टू कॉमन आ रहा है ना, इन दोनों टर्म्स में से टू कॉमन ले लिया, तब क्या रह गया, थ्री क्यू प्लस वन प्लस वन। अब ये क्या बन गया, एक नया पॉजिटिव इंटीजर बन गया, ठीक है, नया पॉजिटिव इंटीजर बन गया। तो इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या, एम फोर, प्लस का साइन है ये रस, और प्लस वन है, पुट किया। अब ये जो फॉर्म निकल के आ रही है वो तो ये फॉर्म है ना, और ये किसकी फॉर्म है, एक ऑड नंबर की फॉर्म है। सो ये हम लोगों का एक ऑड नंबर निकल के आया। अब फिफ्थ केस में जब हम लोगों का रिमाइंडर कितना है, फोर, तब पॉजिटिव इंटीजर की जो फॉर्म निकली वो क्या हुई, सिक्स क्यू प्लस फोर। अब देखो टू कॉमन है, ओके टू कॉमन ले लेते हैं, तब यहाँ से क्या बचता है, थ्री क्यू प्लस टू, ऐसा लिख सकते हैं इसको। थ्री क्यू पॉजिटिव इंटीजर, टू भी पॉजिटिव इंटीजर, प्लस करेंगे नया पॉजिटिव इंटीजर आएगा। मान लिया वो नया पॉजिटिव इंटीजर क्या है, एम फाइव कंसिडर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है एम फाइव कंसिडर किया है। सो ये जो फॉर्म निकल के आ रही है वो तो ये फॉर्म है ना। अब ये फॉर्म है तो ये क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया, राइट। नेक्स्ट सर, ए की जो फॉर्म होगी वो कितनी होगी, सिक्स क्यू प्लस फाइव जैसी फॉर्म होगी। उस केस में देखो इसको ब्रेक कर देते हैं, ये तो सिक्स क्यू है, इसको लिख सकते हैं क्या, फोर प्लस वन जैसी फॉर्म, ठीक है। फाइव को ब्रेक किया हम लोगों ने। अब देखो इन दोनों के अंदर टू कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं, टू हम लोगों ने कॉमन लिया, तब यहाँ पे क्या रहा, थ्री प्लस टू और प्लस वन। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर प्लस करेंगे नया पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए वो नया पॉजिटिव इंटीजर क्या है, एम सिक्स मान लेते हैं, तब टू यहाँ से उठाया, इसकी जगह पे क्या रखा, एम सिक्स प्लस वन। और अब अगर इस फॉर्म को देखें तो ये ऐसी फॉर्म है ना, ये फॉर्म और ये फॉर्म तो एक जैसी है, तो ये कैसा नंबर हुआ, एक ऑड। अब हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे देखें तो ये कैसा नंबर है, एक ऑड फॉर्म निकल, ऑड नंबर निकल के आ रहा है ना। नंबर क्या था बेसिकली, पॉजिटिव इंटीजर क्या था, ए, और इसकी फॉर्म क्या थी, सिक्स क्यू प्लस वन जैसी फॉर्म थी, करेक्ट है। यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि जब नंबर ऑड है उस केस में जो पॉजिटिव इंटीजर है उसकी फॉर्म क्या थी, सिक्स क्यू प्लस थ्री जैसी फॉर्म निकल के आई थी, ठीक है। आप यहाँ पे देखें कि जब नंबर ऑड निकल के आया हम लोगों का तो जो पॉजिटिव इंटीजर है इसकी जो फॉर्म थी वो कैसी थी, सिक्स क्यू प्लस फाइव। इसका मतलब ऑड के केस में जो पॉजिटिव इंटीजर है हम लोगों ने शो किया कि वो कैसी फॉर्म का है, सिक्स क्यू प्लस वन जैसी फॉर्म का, या सिक्स क्यू प्लस थ्री जैसी फॉर्म का, या सिक्स क्यू प्लस फाइव जैसी फॉर्म का है, राइट। सो मैंशन कर देते हैं, देयरफॉर राइट, देयरफॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है, सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव जैसी फॉर्म का होता है। यही हम लोगों को प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चन के लिए आप मेरी प्ले लिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।